तालियां बसती रहनी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि कोटा की ऐसी विभूति और देश की ऐसी विभूति हमारे बीच में है, माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर। एक बार सभी खड़े हो जाएं, हमारे बीच में जो आज के मुख्य अतिथि हमारे हैं माननीय ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर, वो हमारे बीच में आ चुके हैं, तो एक बार सब खड़े हो जाएं और तालियां बजा दीजिए। एक बार जोरदार शोर मचा दो बच्चों, एक बार जोरदार। स्वागत कीजिए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री ओम बिरला जी, जो कि माननीय लोकसभा स्पीकर हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि कोटा की ऐसी विभूति और देश की ऐसी विभूति हमारे बीच में है, माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। स्वागत सत्कार ऐसा होना चाहिए जो उनके मन में बस जाए कि मोशन परिवार का प्रेम अलग है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या बात, बैठिए। मैं सभी सीनियर मेंबर्स जो ऊपर हैं उनसे बोलूंगा कि एक बार माल्यार्पण कर स्वागत करें। उससे पहले मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साफा पहनाकर, साफा साफा आप लोग मालाएं और ये पहनाएं। हाँ, पहले सफा पहना दे। तालियां बजती रहनी चाहिए। तालियां में कोई कमी नहीं। और झंडे ऊपर। आज 75वां अमृत महोत्सव जो हम देश के लिए मना रहे हैं। सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप भी माल्यार्पण करके सर स्वागत करें सर का। फिर रुक गई आपकी तालियां, तालियां बजाते रहो जोरदार। सभी सीनियर मेंबर से रिक्वेस्ट, जो भी टीम लीड से आके माल्यार्पण कर सकते हैं, ऐसा मौका रोज नहीं मिलता है। अब सर जितने भी हमारे टीम लीड्स हैं, सीनियर्स हैं, एक बार प्लीज आप स्टेज पर आएं। एनवी सर आप भी आ जाएं। मैं वैसे तो आप परिचय का कोई आपको आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी मैं जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, पिछले 15-17 वर्षों से मैं आपके संपर्क में हूं। मुझे कई बार लोग कहते हैं कि आप में बहुत ऊर्जा है, आप बहुत मेहनती हैं। व्यक्तिगत मेरे को ऐसे कमेंट मिलते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि जितनी मेहनत आप करते हैं, मैंने इतना मेहनती व्यक्ति आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मैं कहता हूं उस मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जो बच्चे कोटा में आते हैं, कभी कभी कहते हैं कि 15 घंटे 14 घंटे हम पढ़कर 2 साल में परेशान हो गए। पिछले 17 वर्षों से मैं आपके सानिध्य में हूं और मैं आपको देख रहा हूं कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक भी निरंतर इसी ऊर्जा के साथ आप काम करते रहते हैं। ऐसी शक्ति को, ऐसी मेहनत को हम प्रणाम करते हैं। जोरदार ताली से स्वागत करिए कि कर्म करो तो फल मिलता है आज नहीं तो। और जितना गहरा अधिक हो कुआं उतना मीठा कर्म करो तो। इस कर्म के पर्याय अगर कोई कोटा में मैंने देखे हैं तो माननीय श्री
ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष को मैंने देखा है, आपके कार्यकाल में जिस तरीके से लोकसभा चली है, जितने अनुशासन के साथ चली है और जितने निर्णय लोकसभा में लिए गए हैं, इतिहास गवाह है कि भारत में इतने अनुशासन के साथ और इतने निर्णय लोकसभा में कभी नहीं लिए गए, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जैसे कि मैंने बोला कि कर्म के पर्याय है कि नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, कि नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, ये जन्म लिया किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो, और कुछ तो उपयुक्त करो तन को, और कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर होना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ। ऐसे हैं हमारे श्री माननीय ओम बिरला जी। मेरे हिसाब से मैं बहुत समय लूंगा, अध्यापक हूं बहुत देर बोल सकता हूं, पर मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं जितनी मेहनत आप करते हैं आपको देखकर मुझे लगता है कि शायद हम बहुत कम करते हैं। क्या आज हम माननीय लोकसभा अध्यक्ष से प्रण लेके बोलेंगे कि हम भी 12 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे? यस और नो? क्या हम 12 से 15 घंटे रोज पढ़ेंगे? क्या कोटा का देश का नाम रोशन करेंगे? क्या अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे? भारत माता की, भारत माता की, कि ये ईर्ष्या बुरी है ना पालो इसे, दिल में खलिश है निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ना तेरा ना मेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है संभालो इसे, ये सबका वतन है संभालो इसे। इन्हीं शब्दों के साथ में माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष को मंच पर बुलाना चाहता हूं कि वो हमारा मार्गदर्शन करें, बच्चों का मार्गदर्शन करें और हमारा सौभाग्य की वहां पे पधारे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मेरे सामने बैठे इस स्वर्णिम भारत के सपने देखने वाले और दुनिया के अंदर भारत को सबसे आगे देश पहुंचाने वाले मेरे नौजवान साथियों, आपके मन में बड़े सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने का ऊर्जा उत्साह और सामर्थ्य है, और इसी सामर्थ्य इसी ऊर्जा से हम आने वाले समय में दुनिया के अंदर भारत को और क्षेत्र में सबसे आगे लेकर जाएंगे, दुनिया के अंदर भारत हमारी इस नौजवान युवा शक्ति ऊर्जा शक्ति के माध्यम से नेतृत्व करेगा। ये दुनिया आज भारत के नौजवानों के सपनों को देखकर हम आश्वस्त हैं। साथियों, ये हमारी आजादी का 75वां महोत्सव है। जब हम आजादी का उत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो हम आजादी प्राप्त करने के लिए जिन लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया और देश के लिए सब कुछ करने के संकल्प के साथ एक लंबी लड़ाई आजादी की लड़ी, 1857 से एक लंबा संघर्ष चला और आजादी के लड़ने वाले दीवाने न निराश हुए न थके और न आत्मसमर्पण किया। उनका लक्ष्य, उनके सपने आजादी प्राप्त करने थे और जिन संकल्पों में शक्ति होती सामर्थ्य होता है वह संकल्प भी पूरे होते हैं और उन्हीं
हजारों लोगों के बलिदान कुर्बानियों त्याग से आज हमें आजादी मिली। और जब हम आजादी के 75 वर्ष के अंदर गुजर रहे हैं तो इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में भारत आज दुनिया के अंदर सबसे बढ़ता हुआ देश है। जब हमने आजादी प्राप्त की थी तो हमारे सामने बहुत कठिनाइयां थी, बहुत चुनौतियां थी, लेकिन उस कठिन चुनौतियों को हमने अपने पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से, हमारी सामूहिकता से, उस समय के हमारे नेतृत्व में जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद नए भारत के सपनों का भारत बनाने के लक्ष्य से काम किया। और आज इसी सामूहिक संकल्प के साथ भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश है। और उस तेजी से बढ़ने देश के अंदर अगर किसका सबसे बड़ा सामर्थ्य है, सबसे बड़ा योगदान है, तो भारत के नौजवानों का है। भारत के नौजवानों ने अपनी बौद्धिक क्षमता से, अपने बौद्धिक ज्ञान से, नए इनोवेशन से, नई टेक्नोलॉजी से दुनिया के अंदर भारत की पहचान बनाई। आज दुनिया के अंदर अधिकतम देशों के अंदर उस देश की प्रगति में अगर योगदान है तो भारत के नौजवानों का है। चाहे आईटी सेक्टर में चले जाओ, चाहे प्रोफेसर चल जाओ, डॉक्टर चल जाओ, सीए चल जाओ, दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उन सारे विकसित देशों के अंदर अगर उस देश को बढ़ाने में योगदान है तो भारत के नौजवानों का। और इसीलिए हमें आजादी के अमृत महोत्सव में संकल्प लेना है, एक कठिन परिश्रम से, जिस तरीके से हमारे आजादी के दीवानों ने उस अंधेरे में से उजाला कर आजादी दिलाई, हमें इतनी कठिन परिश्रम से, जीतोड़ ताकत से, अपनी पूरी सामर्थ्य से, अपनी पूरी शक्ति से नए भारत का निर्माण करना है। और इस नए भारत के निर्माण में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो आप सब नौजवानों का है, जो यहां पढ़ने आए हैं, अपना करियर बनाने आए हैं, लेकिन करियर बनाने के साथ साथ आपके मन में अभिलाषा है, आकांक्षा है कि मेरे सहयोग से, मेरे सपने देखने से, मेरे लक्ष्य से मैं भारत को अग्रिम पंक्ति पर ले जाऊंगा। और इसीलिए हम आजादी के उन दीवानों का स्मरण करने से हमें नई प्रेरणा मिलती है, नई दिशा मिलती है कि उस समय के 18-20 साल का नौजवान किस तरीके से देश के लिए कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे पर लटके। आज तो हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि हम हमारे काम में सबसे पहले मेरा देश होगा और मेरे काम से मैं देश को आगे ले जाऊंगा, ये सपने भी देखने, इन सपनों को, संकल्पों को पूरा भी करना है। इसलिए आप देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर पढ़ने आए, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग भौगोलिक स्थिति, ये भारत की विविधता एक ताकत है हमारी। और मैं यहां लघु भारत के रूप में आपको देखता हूं, आपके सबके मन में एक ही सपना है कि मैं कड़ी मेहनत कर
मैं भी इस देश को कुछ ना कुछ योगदान दे सकूं, मेरी सामर्थ्य से, मेरी क्षमता से अधिक काम कर कर मैं इस देश को आगे ले जा सकूं। ये सपने आप सबके हैं और इस सपनों को पूरा करने के लिए हमें आजादी का इतिहास, उनकी गौरव गाथा हमें प्रेरणा देती है। इसलिए हमें गौरवशाली अतीत को भी याद करना है, आधुनिक भारत भी बनाना है और उस आधुनिक भारत के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी भी निभाना है। मैं आज आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप यहां पर पढ़ने आए, अपने परिवार के सपने पूरे करने आए, देश के सपने पूरे करने आए, पूरी सामर्थ्य से पढ़े और सामर्थ्य से पढ़ने के बाद हमारा क्या योगदान हो ये भी आपके मन भाव में रहे कि मेरी ड्यूटी से, मेरे कर्तव्य से, मेरे दायित्व से मैं इस देश को आगे बढ़ा सकूं और समाज के अंदर जो वंचित गरीब व्यक्ति है उसको मेरे प्रयासों से उसको बेहतर जिंदगी दे सकूं। ये सब आपको सामूहिकता के साथ करना है। साथियों, भारत की सामूहिक संकल्प शक्ति बड़ी ताकत है। हमने कोरोना में सामूहिक संकल्प शक्ति को देखा है। हमारी इसी सामूहिक संकल्प शक्ति, इसी संस्कृति और संस्कार के कारण दुनिया की हर चुनौती से निपटने में हमारा देश सक्षम है। हर नए इनोवेशन करने में हमारा देश सक्षम है और आज नए नए नौजवानों ने जिस तरीके से स्टार्टअप के माध्यम से नए इनोवेशन के नए वैज्ञानिक तरीके अपनाए, दुनिया के अंदर आज भारत के नौजवानों का लोहा दुनिया मान रही है और हमें यही सपना करना है, यही सपना पूरा करना है कि मैं भी कुछ ना कुछ मेरा कंट्रीब्यूट करूं और मेरी जो बौद्धिक क्षमता है उसका उपयोग देश के लिए हो। यही हमारे लिए संकल्प का पर्व है। आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोशन परिवार को जो हमेशा शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार संस्कृति देता है, आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से उन्होंने कहा कि कर्म करना हमारा संकल्प होना चाहिए और जितनी कठोरता से, जितनी संकल्प शक्ति के साथ, जितनी कठोर मेहनत से हम कर्म करेंगे उतना ही फल मिलेगा। यही हमारा लक्ष्य ध्येय होना चाहिए। इसलिए मोशन परिवार को भी विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो अच्छी शिक्षा देते हैं, संस्कारी शिक्षा देते हैं और बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं। उसकी बहुआयामी प्रतिभा का, विलक्षण प्रतिभा का कहीं ना कहीं अपने प्रयासों से, सामूहिक प्रयासों से, आप सबके कार्यक्रमों के माध्यम से आपकी बहुआयामी प्रतिभा का लाभ देश को मिले, इसके लिए भी समय समय पर देशभक्ति के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आप सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। भारत माता की। एक बार खड़े होके माननीय लोकसभा अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाथ ऊपर करके एक बार हाथ ऊपर करके। हमारा सौभाग्य है कि ऐसी विभूति जिसे देश में नहीं पूरे विदेश में अपना नाम रोशन करा है, उनका मोशन परिवार स्वागत करता है।